अभी गाड़ी पर जाते समय मुझे एक कॉल आया तो किसी हमारे एक व्यूअर्स है जो हमारे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हैं स्नेक्स के और वो अच्छा काम कर रहे हैं, स्नेक्स को बचा रहे हैं। तो उनमें से हमारे किसी एक भाई का अभी मुझे कॉल आया तो उन्होंने एक स्नेक को रेस्क्यू किया है। तो ये मुझे अभी जाने के बाद पता चलेगा कौन सा है, वो तो बता रहे शायद ग्रीन स्नेक है। तो हम लोग स्पॉट पर जाने के बाद देखते हैं तो उन्होंने कौन सा रेस्क्यू किया है कौन सा नहीं, उसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं स्पॉट पर जाने के बाद देता हूँ। जाने के बाद देखते हैं सर। अच्छा ठीक है, चल के देखते हैं पहले कौन सा, उसके बारे में आपको। बहुत बढ़िया काम किया आपने, आपका चैनल में बहुत टाइम से देख रहा हूं। ऐसे करते करते मैं सब स्ट्रेट में रिस्क करा रहा था, लोग ईमेल करके फोटो भेजते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये ग्रीन स्नेक है, थोड़ा आगे आगे ऊपर। तो आप देख सकते हो इसको, ये ग्रीन स्नेक है और ये नॉन वेनमस है। काफ़ी बार मैं यूट्यूब की वीडियो पे इसके बारे में मैंने बताया भी है, लेकिन शायद कुछ लोगों ने इसको पहचाना नहीं होगा। तो ये किसी के घर में जा रहा था तो शायद उन्होंने डर के इसको थोड़ा सा मारने की कोशिश की है, लेकिन हमारे जो एक उनमें से एक हमारे जो एक भाई हमारे एक दोस्त थे तो उन्होंने उसको जो इंसान उसको मार रहा था तो उन्होंने उसको रुकाया। उन्होंने कहा इसे मारो मत क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे देखा है कि ये नॉन वेनमस सांप है। तो एक्चुअली उसको एक यहाँ पे मार दिया था, थोड़ा यहाँ पे उसको मार लगी है, आप देख सकते हो डैमेज तो हुआ है थोड़ा ये। तो जिस इंसान ने इसकी जान बचाई है और उसको सही तरीके से उसको रेस्क्यू करके बॉक्स में रखा है तो मैं उनसे आपको भी मिलाता हूँ। मैं आओ हेरा साथ, आप इधर साथ ही, ये नॉन वेनमस है। तो ये जो सांप है इसके अंदर एक परसेंट भी जहर नहीं है और आपने यूट्यूब के ऊपर जो देख के अच्छा काम किया है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद देखेंगे इसको। अगर ये पूरा अच्छी तरह हो जाएगा तो इसको सही तरीके से इसको नेचर में वापस छोड़ दिया जाएगा। और काफ़ी बड़ा और काफ़ी हेल्दी है, झाड़ में पाया जाता है। ये हमेशा ज़्यादातर झाड़ों के आसपास और जो बड़े बड़े जो ग्रीन जो घास वगैरह रहते हैं उसमें पाया जाता है। ये दिखने में ऐसा दिखता है कि डेंजरस है, ये डेंजरस है या ऐसा कभी कभी लोग इसको नाग समझते हैं लेकिन नाग नहीं है। ये ग्रीन स्नेक या ग्रास स्नेक बोलते हैं इसको, ग्रीन कील बैक, इसको एक्चुअली असली नाम है ग्रीन कील बैक, मराठी में इसको गौतिया बोलते हैं। अभी इसको वैसे मार तो लगी है लेकिन अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे क्योंकि काफ़ी शानदार सांप है ये। और आपने बहुत अच्छा काम किया कि उसकी जान बचा के उसको बक्से में से सलामत रखा है। आपके चैनल की वजह से जी जी जी, तो बढ़िया काम किया आपने। तो वैसे फ़ोन तो आ रहा है इसको काफ़ी, लेकिन शायद देखते हैं अभी क्या होता है, हो जाएगा वैसे ये रिकवर हो जाएगा। अब इसकी बोन जो है ना स्पाइनल कॉर्ड ये ज़रा सूजन आई है इसके यहाँ पे। आपका नाम क्या? मतीन। तो भाई हमारे मतीन भाई साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं कि जिसने एक सांप की जान बचाई और पूरी कोशिश की कि इसे कोई मारे ना, हालांकि शायद थोड़ी ना समझी में किसी ने शायद उसको मारा है। और जाहिर बात है थोड़ा बहुत इंसान का डर होता है और डर की वजह से वो थोड़ा उसको मार देता है क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है लोगों को। तो इन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में देखा था, सुना था और काफ़ी जानकारी हासिल की थी।
और इन्होंने इसको रेस्क्यू करके एक बॉक्से में सही सलामत इसकी जान बचा दी इसकी। तब इसको डॉक्टर के पास लेके जाके और पूरा रिकवर होने के बाद इसको नेचर में वापस छोड़ दिया जाएगा सही तरीके से, क्योंकि सांप बचेंगे तो पर्यावरण बचेगा और पर्यावरण बचेगा तो हम इंसान बचेंगे। तो ये हर बार मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ और मैं एक बार फिर इन भाई साहब का एक शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही सांपों को मारो मत, भले सांप कोई भी हो, कितना भी जहरीला सांप होगा, जब उसको छेड़ेंगे, जब उसके ऊपर किसी का पाँव आएगा तभी वो काटता है, तब तक कोई भी सांप काटता नहीं, चाहे कितना भी जहरीला हो। और जहरीले सांप खाली सिर्फ जिनके अपने एरिया में खाली तीन ही हैं, उसको छोड़ के जितने भी सब बिना जहर वाले सांप हैं। तो कोई भी सांप को मारो मत लोगों से, मैं हर बार ये अपील करता हूँ, अगर आपको जानकारी नहीं तो उसके ऊपर ध्यान दो, अगर वो भागने लगा तो उसके ऊपर कोई चद्दर वद्दर या बोरी वोरी डाल दो, लेकिन उसको मारो मत। अभी इतना शानदार और इतना प्यारा सांप है ये, तो अभी हमको भी काफ़ी दुख होता है, लेकिन देखेंगे उसको करेंगे रिकवर। ओके okay।